इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। थाना धुमा की घटना। सुरेंद्र अहिरवार लखनादोन के पास ब्रह्मोणी ग्राम का रहने वाला सुरेंद्र अहिरवार की दूसरी शादी पुनवारा ग्राम में रबीना अहिरवार के साथ हुई। दो माह ससुराल में रही और विवाद करने लगी, जिसका कोर्ट में केस चल रहा था। 30 तारीख को पेशी भी थी। सुरेंद्र पुनवारा ससुराल 4 बजे कहकर गया था। 27 नवंबर को माता पिता ने पता किया तो उसका मोबाइल बंद आने पर 28 तारीख को सुबह माता पिता थाना धुमा पहुंचे। उसी समय सुरेंद्र की गाड़ी और मोबाइल उसके ससुराल के लोगों द्वारा थाने में लाकर दिए गए। माता पिता ने बोला कि साहब आप खुद देख लीजिए, मेरे बेटे की गाड़ी और मोबाइल लाकर दे रहे हैं और मेरा बेटा कहाँ है इन लोगों से पूछे। थाना प्रभारी के द्वारा सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर भगा दिया गया, जो दिनांक आज तक पता नहीं है। 7 दिसंबर को माता पिता ने SDO को लिखित आवेदन पत्र दिया, लेकिन सुरेंद्र का अभी तक कोई पता नहीं चला है। आज माता पिता फिर SDO ऑफिस गए और साहब को अपनी आपबीती बताई। क्या कहा SDO साहब ने, सुनिए। सत्ताईस तारीख से मेरा लड़का गोल है सुरेंद्र, पुनवारा गया था और वहीं से गाड़ी बरामद हुई, मोबाइल बरामद हुआ। हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवाया धीमा थाना में, तो थानेदार साहब कहते कि हाँ हम उसी में लगे हुए हैं। SDO साहब की ऑफिस में भी हमने आवेदन दिया था, तो साहब जी भी बोल रहे हैं कि हम उसी की कार्रवाई में लगे हुए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो आज फिर आए थे क्या? आज फिर आए थे हम लोग, तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम वही काम कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। सर जी, 27 तारीख की घटना है, तो सुरेंद्र पनवारा जाके लापता हुआ है, उसके संबंध में आपसे दो शब्द चाहिए। एक हमारे पास सूचना आई थी कि सुरेंद्र अहिरवार बमोड़ी ब्रिज के पास इनका घर है, तो उनका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। वो अपनी पत्नी के गांव पनवारा गए हुए थे, तो शायद गांव वालों ने वाद विवाद किया, उनका मोबाइल और गाड़ी छोड़ के जब से लापता है तो उसको गुम इंसान गायब किया गया था। तब से लगातार इनकी तलाश की जा रही है और जैसे ही इनकी तलाश हो जाएगी तो वास्तविक घटनाक्रम क्या हुआ ये पता चल पाएगा। तो सर, उनके परिजनों ने जैसे गाड़ी और मोबाइल जब तक ला के दिए थाने में, तो उनसे कुछ कड़ाई से पूछताछ नहीं हुई क्या? पूछताछ उनसे की जा रही है, चूँकि अब उनकी पत्नी है और ग्रामीणों ने जैसा बताया जा रहा है कि वाद विवाद किया है, इसलिए हम बारीकी से सब तथ्यों की जाँच। सर जी, न्याय के लिए भटक रहे हैं, इनको कब न्याय मिलेगा फिर? बिल्कुल, हम लगातार उसमें ढूंढ रहे हैं। जो हमारा थाना प्रभारी है उसे पूरे घटनाक्रम अच्छे से पता है, तो जो इनका पूर्व विवाद रहा है या जो भी एक एक पहलू है, सभी बिंदुओं पर बराबर जांच हो रही है और निश्चित ही जल्दी मिल जाएगा इनका बेटा। सर, धुमा में चोरी का वारदात चल रहा है, उसके संबंध में बोले कुछ? ऐसा कल एक मामला संज्ञान में आया था कि एक चोरी हुई है, तो चूँकि अभी ये तस्दीक की जा रही है कि बाहर से कौन लोग आके रह रहे हैं, अभी देखने में आ रहा है कि कोई कंबल बेचने वाला है या कोई हवा पंचर बनाने वाला है, इस तरीके के व्यक्ति बाहर से आके रह रहे हैं। तो मेरी नागरिकों से भी अपील है कि किसी को भी बिना लिखा पढ़े के किराए पे मकान ना दें, और यदि किसी को किराए पे रखते हैं तो उसकी सूचना दें थाने में, ताकि क्या है उनकी मुसाफरी चेक कर पाएंगे। नहीं तो कल को यही लोग चोरी करते हैं और फिर ऐसा कोई बड़ा घटना हो जाता है। सर, ऐसा तो अपने लखनऊ में भी है, जो बहुत सारे किराए खड़े रहे और थाने में कोई सूचना नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, हमने एक अभी जैसे निर्वाचन के पश्चात अभी सब थोड़ा फ्री हुए हैं, तो हम लगातार इसमें प्रयास करेंगे, एक मुनादी भी करवा देंगे कि जो भी है, वैसे लोग देते हैं, जनरली ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देता है, हमने पहले भी अपील की है लोग देते हैं, तो अभी भी जिन्होंने नए रखे हैं या पूर्व से जो रह रहे हैं तो थाना प्रभारी को आके जानकारी दे सकते। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।